This is a scene straight from the happenings at Mata Chowk of Devli Kala village of Madhya Pradesh. It's the third meetup since the Paisa Act was announced by Shivraj Chauhan, the CM of Madhya Pradesh, on 15 November 2022. को पता है कि ये जो पैसा एक्ट की जो मीटिंग हो रही है यहाँ पर जो समितियाँ बनी है समितियों के क्या काम है सर अभी तो हम चिंता है अभी हमें मालूम नहीं है इसके बारे में तो इसके लिए बाद में आपको ट्रेनिंग देंगे या कुछ करेंगे जब अभी तो बताया नहीं अभी कुछ नहीं बताया आपको मतलब लेकिन आप किसी न किसी समिति में आपको रखा है बता रहे हैं कि 33% महिलाओं की भागीदारी उसके अंदर सुनिश्चित की गई है तो आपको उस बारे में बताया गया है कि ये पैसा एक्ट क्या है कैसे काम करेगा इसके क्या काम होंगे अभी नहीं बताया आप सिर्फ समिति बनाया आपका क्या शुभ नाम है मेरा जानकी भाई आप कौन सी समिति में हो आप वो ही तो नहीं मालूम अभी अभी किस समिति में हो ये भी नहीं मालूम है आपको नहीं मालूम है अभी विचार करेंगे मेरा समिति क्या है वो अभी आपको किसी को नहीं मालूम अभी आप मिलेंगे अभी तो हम उसका अनुभव ही नहीं हुआ अभी तो सुन के आया अभी आपने सुन के आया है मतलब आपको कुछ पता तो चल रहा है कि मतलब जो हो रहा है ये जो पैसा एक्ट है ये है क्या क्यों लागू हुआ है इसके क्या फायदे होंगे गांव को ये पता है आपको मालूम नहीं है सर अभी तो द पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट 1996 और सिंपली द पैसा एक्ट एम्स टू एम्पावर द ट्राइबल पॉपुलेशन टू प्रिजर्व देयर नेचुरल रिसोर्सेज फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन थ्रू सेल्फ गवर्नेंस After 25 years of being passed by the parliament, Madhya Pradesh has become one of the 10 states to enable this act. This act gives Gram Sabhas in scheduled areas special powers and autonomy over their natural resources and many other things. Scheduled areas are notified as per the 5th schedule. Gram Sabhas constituted under the Paisa Act have absolute powers over preserving their cultural identity and community resources. They can approve projects for social and economic development, oversee minor water bodies, minor forest produce, sale of intoxicants, use of pastoral land, and so much more. In Khalwa, Devli Kala Gram Sabha formed several committees to manage its affairs. During this meeting, the Panchayat Employment Assistant, Keval Yadav, can be seen appointing people to positions of responsibility of various committees. जो पहली समिति थी शांति एवं विवाद निवारण समिति इसमें रामलाल मिश्राम जी को उपाध्यक्ष की चॉइस किया गया और चंपालाल भाव को अध्यक्ष चॉइस किया गया ठीक है और दूसरी थी अपनी वन संसाधन एवं नियंत्रण समिति इसमें दयाराम मोतीराम को अध्यक्ष चॉइस किया गया और लक्ष्मण ओमकार को उपाध्यक्ष ठीक है जैसे शांति समिति के क्या काम होंगे ये आपको बताया है कि क्या काम करने पड़ेंगे आप लोगों को शांति समिति का देखो उसके कुछ नियम है हाँ गांव के अंदर जितना भी जी अवैध काम हो हाँ झगड़ा प्रसाद हो मतलब थाने से कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थाने से कार्रवाई नहीं जाना चाहिए थाने तक नहीं जाएगी गाँव में ही उसका निपटारा करेगा उसका निपटारा गाँव में होना चाहिए अच्छा अगर ज्यादा हो गया हाँ तो फिर थाने में आप दे सकते अच्छा मतलब पहले आप लोग उसको यहाँ से अप्रूवल देंगे उसके बाद वहाँ जाएगा है ना फॉलोइंग द मैंडेटरी 33% रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन ईच कमिटी हैड 5 मेन एंड 3 वुमेन मेंबर्स एट द ऑफसेट इट माइट सीम एज दो द मेन आर क्लूलेस अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ देयर कमिटीज एंड वुमेन आर ऑब्लिवियस टू व्हाट कमिटीज आर देयर पार्ट ऑफ दिस सेंटिमेंट बिकम्स स्ट्रॉन्गर व्हेन इवन द सरपंच इज अनइन्फॉर्म्ड पैसा एक्ट में सर मुझे भी ज्यादा से जानकारी नहीं है उसे तो पर मतलब पैसा एक्ट लागू होने के बाद गांव वालों को क्या फायदा होने वाला है बहुत से फायदे होंगे जैसे कि मतलब अभी मुझे भी जानकारी नहीं है ज्यादा मैंने भी अभी देखा नहीं है बट इन दिस केस बीइंग अनअवेयर डज नॉट मीन दैट दे आर इनडिफरेंट Experts have observed over a period of time that communities have made critical decisions on matters like resource management, development issues and more even before the PESA was in place. Here, Gram Panchayat Secretary Ranjit Tanwar and Employment Assistant Keval Yadav were the only two persons with some formal knowledge about the PESA Act. So while this seems like a good start, it's a history in the making. So stay tuned as we bring more of these stories to you.